जयपुर में प्रदेश भर में कई इलाकों में अंधड़ से बाहरी तबाही मच गई। तेज अंधड़ के चलते हादसों में कई लोगों की जान चली गई। झालावाड़ के गणेशपुरा में जहां कच्चा मकान ढह गया और दो बहनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं समरोल में बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। उदयपुर के सेलाना में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। वहीं राजसमंद के परावल में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर में टेंट के गिर जाने से दुल्हन के चचेरे भाई की मौत हो गई और वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमानगढ़ के करनीसर में मकान ढहा और वर्द की जान चली गई। वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ में भी दीवार ढह जाने से मिठालाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। तेज अंधड़ और तेज बारिश के चलते प्रदेश भर में कई लोगों की जाने चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के जमवा रामगढ़ के दीवार ढह जाने से मिठालाल नामक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश में कई इलाकों में अंधड़ से भारी तबाही देखने को मिली। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, कल प्रदेश भर में तेज अंधड़ के चलते कई हादसे हो चुके हैं और कई हादसों में अलग अलग जगह पर कई लोगों की जाने चली गई। बिल्कुल, बताना चाहूंगा ज्योति, अलवर में भी अंधड़ का काफी असर देखने को मिला है और कई विद्युत पोल गिर चुके हैं और कई दुर्घटनाएं भी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक कई स्थानों पर बिजली की जो व्यवस्था है वो चौपट है और सुधर नहीं पाई है। शहर में भी कई पेड़ गिरे हैं और आमजन कुल मिलाकर जो अंधड़ आया उससे भयभीत भी है कि इस तरह के जो अंधड़ कई बार आ चुके हैं और जनहानि भी हो चुकी है और जो विद्युत की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, वो भी पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी है। बात करें भैरोड की, कठुमर की, तो ये जो ग्रामीण एरिया है यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और फसलें भी चौपट हो चुकी हैं और किसान काफी, इसे जो बारिश और अंधड़ आया है इससे काफी नुकसान किसानों को हुआ है। ज्योति चंद्रशेखर, अगर अलवर की बात की जाए, चूंकि शुभ मुहूर्त था कल और कई जगह पे अलग अलग शादियां हुई और अलवर में भी एक शादी में चचेरे भाई की मौत हो गई दुल्हन की। बिल्कुल, कल काफी सावे भी थे, शादियां भी थी, इस चक्कर में जितने भी मैरिज होम है, क्योंकि मैरिज होम खुले स्थान पर बनाए जाते हैं पार्किंग की दृष्टि के देखते हुए, तो काफी टेंट उखड़ गए, एक मौत भी हो गई दुल्हन के चचेरे भाई की और जो भी व्यवस्थाएं होती है शादी की वो सारी चौपट हो गई। लोगों को काफी नुकसान हुआ है और मैं बताना चाहूंगा कि कल जिले में कम से कम जो सूचनाएं आई हैं, कम से कम 20-25 शादियां थी जिनमें पूरी तरह से शादियां बिगड़ गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ज्योति जी, चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल प्रदेश भर में अलग अलग इलाकों में तबाही देखने को मिली, कई लोगों की मौत हो गई और कई शादी समारोह, चूंकि कल शुभ मुहूर्त था, तो पूरी तरह से चौपट हो गए। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंधड़ का कहर किस तरफ से नजर आ रहा है। और हनुमानगढ़ की बात की जाए तो करनीसर में भी मकान ढहा और एक वृद्ध की जान चली गई। अलग अलग इलाकों में कई लोगों की कल जान चली गई। प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ से भारी तबाही देखने को मिली। तेज अंधड़ के चलते हादसों में कई लोगों की कल जाने चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी खबर पर धौलपुर से हमारे साथ मुनेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुनेश, धौलपुर में कल तेज अंधड़ के चलते कहां कहां और क्या स्थिति पैदा हो गई? जी ज्योति, मैं बता दूं कि अचानक से करवट, मौसम ने करवट लेते हुए और एकदम से बदलाव आ गया और तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे कि किसानों को भारी जो फसल है उसमें नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और जो कटाई चल रही थी, जो रबी की फसल में मुख्य तौर से गेहूं की फसल रह गई थी, तो गेहूं की फसल में भारी नुकसान की संभावना बताई जी। मुनेश जी, मुनेश, क्या धौलपुर में इस तेज अंधड़ के चलते कोई जनहानि हुई? जी, तेज अंधड़ तो चला है लेकिन ऐसी कोई जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है और इतना तेज अंधड़ भी नहीं था जिससे कि एक दो छुटमुट घटनाओं को छोड़कर के बाकी सब यहाँ पर जी। मुनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनेश ने बताया कि धौलपुर में इतना कुछ असर देखने को नहीं मिला तेज अंधड़ का, लेकिन प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में भी कि किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई और इस तेज अंधड़ के चलते कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूंकि कल एक बड़ा शुभ मुहूर्त था, कई जगह पर शादी समारोह भी
अस्त व्यस्त हो गए, और एक अलवर में तो शादी समारोह के चलते टेंट उखड़ गया और दुल्हन के चचेरे भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।